नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 24 अक्टूबर से 108 घाटों का निरीक्षण होगा शुरू। छठ की तैयारी में जुटा जल संसाधन विभाग। लापरवाही के कारण 6 ठेकेदारों पर गिरी गाज। जीडीएस की बहाली में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। घूस लेते पकड़े गए डाक अधीक्षक। अवैध तरीके से जीडीएस बहाली का है आरोप। बिहार में हवा की गुणवत्ता हो रही खराब। पटना समेत कई जिलों की स्थिति चिंताजनक। अगले 2 से 3 दिनों में कोहरा छाने की है संभावना। रतन टाटा के विशेष आवरण हुए समाप्त। अधिकतम 2 बार ही छापता है विशेष आवरण। अब आगे विशेष आवरण की मांग नहीं होगी पूरी। न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर 1-0 से बनाई बढ़त। 36 साल बाद न्यूजीलैंड ने हासिल की ये जीत। 24 अक्टूबर को होगा अगला टेस्ट मैच। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में छठ महापर्व की तैयारियों के तहत गंगा नदी के घाटों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। जल संसाधन विभाग की टीम गंगा के 108 घाटों का 24 अक्टूबर से निरीक्षण करेगी और खतरनाक घाटों की सूची जारी करेगी। लापरवाही के चलते 6 ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिन्होंने घाटों की सफाई और तैयारियों में कमी दिखाई थी। नगर आयुक्त ने कार्यपालकों से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें घाटों की स्थिति और आवश्यक व्यवस्थाएं शामिल है। ये रिपोर्ट 1 नवम्बर तक सौंपनी होगी। अगर कोई ठेकेदार 48 घंटे में सुधार नहीं करता है तो उनकी निविदा रद्द कर दी जाएगी। जिला प्रशासन घाटों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर गंभीर है, ताकि छठ पर्व धूमधाम से मनाया जा सके। बिहार में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, खासकर दिवाली से पहले। पटना की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 219, हाजीपुर की 259, गया की 150, मुजफ्फरपुर की 129 और कटिहार में 206 दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मौसम विभाग के अनुसार हवा की गति कम होने से प्रदूषण बढ़ रहा है और अगले 2-3 दिनों में कोहरा छाने की संभावना है। ये स्थिति खासकर उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्रों में दृश्यता को प्रभावित कर सकती है। मौसम में बदलाव और बढ़ते प्रदूषण के कारण वायरल फीवर, सर्दी और खांसी जैसे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने बिना विशेषज्ञ की सलाह के दवा ना लेने की सलाह दी है। ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS की बहाली के दौरान बिहार में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। CBI की विशेष टीम ने सासाराम के डाक अधीक्षक राजीव रंजन को घूस लेते हुए पकड़ा है। डाक अधीक्षक को आरा रेलवे स्टेशन से 3,47,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से कई डाकघरों में GDS की बहाली की। राजीव रंजन के अधीन लगभग 20 डाकघर आते हैं, जहां उन्होंने ये रैकेट चलाया। जांच में पता चला कि वे हर हफ्ते पैसे लेकर आरा आते थे और फिर पटना जाते थे। CBI ने उन्हें हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और उनके घर की तलाशी लेने की योजना है। साथ ही अन्य आरोपियों की पहचान भी की जाएगी। साइबर पुलिस ने पिछले 1 महीने में ठगी के 1.20 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस कराने में सफलता हासिल की है, लेकिन अभी तक किसी ठग की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। साइबर थाना के एडिशनल SHO श्याम नंदन ने बताया कि ये ठगी के मामले केरल, राजस्थान, दिल्ली और असम जैसे कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। ठगों ने शेयर मार्केट में निवेश, नौकरी का झांसा और बिजली बिल अपडेट जैसे बहाने से लोगों को ठगा था। पीड़ितों ने ठगी का एहसास होने पर साइबर थाने में शिकायत की। जांच के तहत दिघा निवासी एक महिला से 45 लाख रुपए की ठगी में 42,09,000 रुपए और राजीव नगर निवासी एक व्यक्ति से 45 लाख रुपए की ठगी से में 20,14,000 रुपए वापस किए गए। डाक विभाग बिहार सर्कल ने रतन टाटा पर जारी किया गया विशेष आवरण केवल 9 दिनों में ही समाप्त हो गया। विभाग ने 2000 विशेष कवर छपवाए थे, लेकिन मांग इतनी अधिक है कि अब इसे पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा है। हर दिन 100 से 200 लोग इन कवर के लिए संपर्क कर रहे हैं और अब तक 5000 से अधिक लोगों ने रुचि दिखाई है। रतन टाटा के निधन के 24 घंटे के भीतर ये आवरण जारी किया गया था, जिससे इसकी मांग बढ़ी है। बिहार सर्किल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि किसी विशेष कवर को अधिकतम 2 बार ही छापा जा सकता है, इसलिए आगे कोई और कवर नहीं छापा जाएगा।
जहरीली शराब कांड में बिहार के छपरा, सिवान और गोपालगंज जिलों से करीब 44 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। मद्य निषेध अधिकारियों को मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने शराब बंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खुफिया तंत्र को मजबूत करने और परंपरागत शराब व्यवसाय से जुड़े परिवारों को जीविकोपार्जन योजना से जोड़ने का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि जीविकोपार्जन योजना से अब तक करीब 49,000 परिवारों के बीच 116 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया गया है। बैठक में अधिकारियों ने हाल की कार्रवाई की जानकारी दी और अवैध शराब सप्लायरों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने की रणनीति बनाने की बात कही है। मुख्य सचिव ने पुलिस के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता भी जताई है। बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष बनते ही बेतिया राज की जमीनों के कुप्रबंधन और अतिक्रमण के मुद्दे पर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बेतिया राज के विशाल भूमि संपदा जो बिहार और उत्तर प्रदेश में फैली हुई है, वहां लंबे समय से अतिक्रमण के मामले देखे जा रहे हैं। के पाठक ने सरकारी अधिकारियों को भूमि प्रबंधन की जिम्मेदारी दी है और उत्तर प्रदेश सरकार से सहयोग भी मांगा है। अब तक लगभग 8,000 एकड़ जमीन का सर्वेक्षण हो चुका है, जबकि 5,000 एकड़ का रिकॉर्ड दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा पेशेवर एजेंसी के चयन के लिए निविदा भी जारी की गई है, जिससे भूमि प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माध्यम बताया है, जिससे समितियों को बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी और वे मजबूत होंगे। उन्होंने दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यशाला में ये बातें कही हैं। कार्यशाला में हर जिले से बेहतर प्रदर्शन करने वाले पैक्स को आमंत्रित किया गया था। सहकारिता मंत्री ने पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। 38 पैक्सों के प्रतिनिधियों ने अपनी उपलब्धियों को साझा किया। निबंधक इनायत खान ने कहा कि ये परिचर्चा अन्य पैक्सों के लिए लाभदायक होगी। कार्यशाला में कई अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया, जिन्होंने सहकारिता के माध्यम से रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ाने पर चर्चा की है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस संजीव हंस की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को दो अन्य आरोपियों प्रवीण चौधरी और सादाब खान को भी गिरफ्तार किया है। प्रवीण चौधरी जो बिहार के मधुबनी से हैं, इन पर आरोप है कि इन्होंने संजीव हंस की काली कमाई को दिल्ली में निवेश किया था। सादाब खान जो हंस से सीधे जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट में अवैध पैसे का निवेश करते थे और धन उगाही में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोनों के घरों पर ईडी ने छापेमारी कर कई दस्तावेज जब्त किए हैं। तीनों को पटना लाया गया और कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने संजीव हंस को रिमांड पर लेने का आवेदन भी दिया है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा बलों ने एक बांग्लादेशी नागरिक राजीव धर को हिरासत में लिया है। वो पिछले 8 वर्षों से बोधगया के एक मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु के रूप में रह रहा था और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ था। राजीव धर शनिवार को बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट TG-327 के लिए चेक इन कर रहा था, तभी उसे गिरफ्तार किया गया। उसकी तलाशी के दौरान संदिग्ध दस्तावेज और पासपोर्ट बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि वो बौद्ध भिक्षु नहीं बल्कि एक बांग्लादेशी युवक है। उसने पुलिस से बचने के लिए विभिन्न नामों से कई पासपोर्ट भी बनवाए थे। उसे मगध मेडिकल थाना की पुलिस को सौंप दिया गया है, जहाँ आगे की कार्रवाई की जा रही है। सिवान और छपरा में जहरीली शराब से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस कांड पर कार्रवाई तेज कर दी गई है और सारण पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य सरगना मंटू सिंह को हाल ही में पकड़ा गया, जबकि 3 अन्य अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में मंटू और उसकी पत्नी नीतू शामिल है। साथ ही सिवान पुलिस ने कौशल्या देवी, रुदल पासवान और रजनीकांत को भी गिरफ्तार किया है। मीडिया खबरों के मुताबिक जहरीली शराब से सिवान में 48, सारण में 15 और गोपालगंज में 2 मौतें हुई हैं, जबकि प्रशासन ने अभी तक 37 मौतों की पुष्टि की है। पुलिस ने इस मामले में जांच जारी रखी है। बीजेपी ने बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से अपनी 2 सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तरारी विधानसभा से विशाल प्रशांत, जो पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं, उन्हें टिकट मिला है। कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से अशोक कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, जो पहले भी रामगढ़ के विधायक रह चुके हैं।
उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक चलेगी और 13 नवंबर को मतदान होगा। दोनों सीटों पर बीजेपी ने 2020 के चुनाव में हार का सामना किया था। तरारी में सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद ने जीत दर्ज की थी, जबकि रामगढ़ में आरजेडी के सुधाकर सिंह विजयी रहे थे। शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के समर्थकों ने पटना में पोस्टर लगाकर उनके सक्रिय राजनीति में वापसी के संकेत दिए हैं, जिसमें लिखा था टाइगर अभी जिंदा है। इस पर जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू ने पलटवार किया है। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा है कि टाइगर जिंदा है का मतलब है कि आरसीपी सिंह बिना जंगल के शेर है, क्योंकि पटना जंगल नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर वहां टाइगर है तो वो असल में मुर्दा है। आरसीपी सिंह की कई राजनीतिक पार्टी की संभावनाओं पर जदयू सांसद ने कहा है कि वो कभी नीतीश कुमार की तरह नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने संघर्ष कर अपनी जगह बनाई है। इन दिनों केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह लगातार अपने विवादित बयानों से चर्चा में है। धर्म विशेष को लेकर भी लगातार बयान दे रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने हिंदू सनातन यात्रा को लेकर चर्चा की थी। अब इस पर लोजपा रामविलास की पार्टी का बयान सामने आया है। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता मनीष सिंह ने कहा है कि इससे हमारी पार्टी का कोई सारोकार नहीं है। इस यात्रा से हिंदू धर्म के मजबूत होने की बजाय समाज में वैमनस्य ही फैलेगा। हिंदू धर्म की मजबूती के लिए व्यापक समाज सुधार अभियान चलाने की जरूरत है। जात पात की खाई को पाटने के लिए मुहिम चलाना होगा। न्यूजीलैंड ने बेंगलोर में भारत को 12 से प्रभावित पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट से हरा कर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। पहले दिन बारिश के कारण खेल नहीं हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 107 रनों का लक्ष्य हासिल किया। भारत की पहली पारी में सिर्फ 46 रन पर आउट होने के बाद न्यूजीलैंड ने रचिन रविंद्र 134 और डेविन कॉनवे 91 की मदद से 402 रन बनाए। भारत से सरफराज खान 150 और ऋषभ पंत 99 के सहारे दूसरी पारी में 462 रन बनाने में सफल हुए थे। न्यूजीलैंड की भारत में 36 साल बाद पहली टेस्ट जीत है। अगला टेस्ट मैच 24 अक्टूबर को पुणे में खेला जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गुनर शर्मा, रोशन भास्कर, संजीव कुमार, अमित कुमार, धीरज, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, आलोक प्रियदर्शी, नंद कुमार सिंह, छोटू राजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, रवि कुमार, प्रिंस कुमार, विमल, मोहम्मद तौकीर, रंजीत सिंह, ओमकार सिंह, सीमा कुमारी, सादिक हुसैन, दीपक कुमार, मोहम्मद असलम, अर्जुन राम, तुलसी ऋषिदेव, रविशंकर शाह, अनवर करीम खान, रवि कुमार राज, मनीष कुमार, रवि कुमार राम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आप अपनी तरफ से क्या पहल करना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।